अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी कोई खैरियत से होंगे। रमजान के बाद हम लोग सभी कोई बेसब्री से ईद की इंतजार करते हैं और ईद की खुशी कुछ अलग ही होती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद का एक छोटा सा ब्लॉग। ईद के दिन मैंने क्या क्या किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ईद के दिन हमारे मॉर्निंग से ही बहुत सारे काम होते हैं। मैं यहाँ पर सेवई को फ्राई कर रही हूँ और साथ ही में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट कर लिया है। सवेरे मैंने उठ के सारे प्रिपेरेशन कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए सेवई बना रही हूँ और साथ में सीर खुरमा भी बनाना है। ईद मतलब खुशी। ये खुशी हम लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं। मैंने यहाँ पे बेडशीट एक लिया था जो ईद के दिन अपने बेड पे यहाँ पे स्प्रेड किया है। इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं ईद का कुछ शॉपिंग नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी, तो आज मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ ईद का शॉपिंग शेयर करूँगी। ये मेरी बेटी के कुछ ड्रेसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा शॉपिंग अगर शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये टॉप देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसका ये सब बॉटम है, दोनों सिल्क का बॉटम है। ये एक मैं सिल्क का कुर्ती ली हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए हैं। ब्लैक कलर का ये कुर्ती है और इसमें बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। ये चिकन करी कुर्ता है, मलमल के कपड़े के ऊपर है। इस गर्मी में समर सीजन में ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका वर्क भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मुझे थोड़ा लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब मेरे भाई के घर गई थी, मेरे भाई भाभी ने ये मुझे गिफ्ट किया था। ये एक सिल्क का कुर्ता है। मैं इन सारे कुर्ते का बॉटम नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ टॉप ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और कुछ हस्बैंड के शर्ट्स और टी शर्ट्स हैं। मेरी बेटी सवेरे सवेरे देखिए रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ हैवी ड्रेस नहीं पहन पाए। यहाँ पे मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दिया है लंच के लिए। मटन का भुना मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये चिकन के ग्रेवी बन के रेडी है और साथ ही मैंने खुसका बनाया था वो भी बन के तैयार है। इस दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी। ये भैया भाभी बहुत ही अच्छे हैं तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और मेरी देवर के दो बच्चे और ननद की बेटे भी आए थे तो हम लोग बहुत खुशी ईद सेलिब्रेट किया। वीडियो के एंड तक बने रहिए।
वीडियो के पूरे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।